गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका वेलकम है आप ही के स्कूल विद्याविहार स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 4C को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर चैप्टर 4 से है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो एंड सेकंड के भी दो क्वेश्चनों को मैंने उतारा है। पहली हेडलाइन जो है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग वाई फैक्टर थ्री मेथड। जो ट्री मेथड है आपने छोटी क्लासों में किया हुआ है इससे पहले भी, तो उसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। सबसे पहले क्या हम लिखते थे, 24 को ऐसे सेंटर में लिखने के बाद वही डिसबिलिटी के हिसाब से चलते हैं, पीछे 4 है 2 से कटेगा। मैंने जैसे ही 2 से किया, ये शायद एक सी ब्रांच से निकलते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, हाँ ऐसे, तो इस वाले गोले में अपने आप क्या आ गया, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं, ठीक है, 12 है पीछे 2 है तो 2 से ही कटेगा, 2 यहां अपने आप लिख लिया हमने, एंड 2 6 जा 12। अब कौन बचा, 6, 6 से पीछे तो 2 से कटेगा, 2 3 जा 6। और देखा हमने 3 एक प्राइम नंबर पर आ गया है, यानी बात खत्म हो गई है। तो इसके जो फैक्टर जो आए हैं 24 के, तो हम ऐसे लिख दे, 24 के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो ये सेट के जो प्राइम नंबर हैं उनको लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये देखें अपन सेकंड वाला, तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 75 को हमने मिडल में लिख लिया और ये 2 गोले मैंने बना लिए। तो ये देखा हमने 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो हमने 3 से चेक किया, 7 और 5 जोड़ते हैं 12 होता है, और फिर हम 12 को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से किया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, एक बार हो गया। अब हम फिर 3 से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 से किया, 5 और 2 7 हो रहे हैं, नहीं कट रहा, यानी अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से किया, 5 5 जा 25। तो ये इसके फैक्टर हो गए। लिखेंगे 75 के जो फैक्टर है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5। तो इस तरीके से ये 75 के भी फैक्टर हमने निकाल लिए। अब बात आती है कंस्ट्रक्ट ट्री फैक्टर। हाँ, इसमें ये बनाना था, ये इसमें बनाना ही था, डायरेक्ट ऐसे लिखना था, ये आपको रफ वर्क में करना था, अपन ने यहाँ करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है इस तरीके से, कौन है, 36, पीछे 6 है तो क्या आया, 2 से पीछे 6 है, 2 लिख लिया, यहाँ क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 1 बचा, और 2 8 जा 16। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप तो ऐसे करके डिवाइड नॉर्मली करके आ सकते हैं, 2 1 जा 2 है ना, और ये बचा 16 और 2 8 जा 16। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। फिर हमने देखा पीछे 8 है तो किससे कटेगा, 2 से जा सकता है, 2 9 जा 18। ओके, अब 9 2 से नहीं जा सकता तो किससे गया, 3 से, 3 3 जा 9। तो 36 के क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो इस प्रकार से ये 36 का भी आ गया। अब कौन है, 96 है, उधर करके आते हैं 96 को हम, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का था वो, सी था, हाँ सी था सेकंड का, क्या था, 96, पीछे 6 है तो क्या करेंगे, 6
सीधी सी बात है, टू से करेंगे, टू से डिवाइड किया मैंने, टू फोर जा एट, वन बचा और 16 हो गया, टू एट जा 60, पीछे 8 है, अनडाउट किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, किससे करेंगे, पीछे 4 है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, बन खत्म हो गया। हाँ, टू और इसका किया, टू से कर रहे हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ट्वेल्व है, अभी भी टू से हो सकता है, टू से किया, टू सिक्स जा ट्वेल्व, अभी भी सिक्स है, टू से कर सकते हैं, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। ये इसके सारे इतने सारे इसके जो मल्टीपल्स आ गए हैं वो देख लिख देते हैं, 96 के होते हैं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, है ना, एट टू जा 16, 16 टू जा 48 एंड 48 थ्री जा, लगता है कहीं मिस हो रहा है, देखते हैं दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू से किया 48 आया, टू से किया 24 आया, टू से किया 12 आया, टू से किया 6 आया, फिर टू से कर रहे हैं 3 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसके फैक्टर, चलो एक बार फिर बारीकी से कर लेते हैं, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 हम 3 का मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 3 टू जा 6 एंड 3 3 जा 90, यस बिल्कुल 96 आ गया, यानी ये हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। सो इसके साथ जो ये एक्सरसाइज है 4C, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे, इस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी 4D के साथ, टेक केयर, गुड बाय।